नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 1 हे जग के स्वामी के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत कविता हे जग के स्वामी में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य की बात कही है। इसमें परमात्मा का धन्यवाद भी किया गया है और कामना की गई है कि हमारा जीवन भी प्रकृति की सुंदरता के समान सुंदर हो जाए। इस प्रकार यदि इस नवाचार की नवीनता को देखा जाए तो इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें कक्षा के छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से शब्दार्थ तुकान शब्द पर्यायवाची शब्दों से प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है। इसके लिए शिक्षक सबसे पहले छात्रों को समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बना लेते हैं। समूह चाहे तो आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली भी कर सकते हैं। इस प्रकार सभी समूह की सहायता से एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार कर लिया जाता है और अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेते हैं। इस नवाचार के पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन के लिए इसके अंतर्गत जो प्रश्न छात्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं उनकी सहायता से शब्दार्थ तुकांत शब्द और पर्यायवाची शब्दों की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे तेज शब्द का अर्थ बताइए प्रकाश, अमल शब्द का अर्थ होगा निर्मल, जल शब्द का पर्यायवाची होगा नीर, सूर्य के दो पर्यायवाची शब्द होंगे दिनकर और भास्कर, लाल शब्द का तुकांत शब्द होगा दाल, तेरा शब्द का तुकांत शब्द होगा मेरा, चमक का तुकांत शब्द होगा दमक, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर खाली स्थान मंडल अर्थात रिक्त स्थान में भरा जाएगा सूर्य। अगर इसको सेंटेंस को पूरा करें तो कहेंगे कि चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल। इस प्रकार छात्रों की सहयोग से एक बड़ा प्रश्न बैंक बनाया जाता है। निष्कर्ष रूप में यदि देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक सेतु का संबंध बनता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभवों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, जिसके लिए लिखित और मौखिक भाषा का छात्र प्रयोग करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपने तर्क देने की क्षमता का निर्माण भी करते हैं। कही जा रही बात कहानी कविता आदि को कहने की समझ विकसित करते हैं। छात्र के साथ साथ इस नवाचार में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा जाता है। इस नवाचार में NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही पाठ हे जग के स्वामी को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है, तथा इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक
को भी समझते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।